उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में तत्वाधान में प्रचंड बहुमत से जीत हासिल हुई। नई मोदी सरकार को चेतावनी दी गई, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में अंतर्गत आने वाले भृगु आश्रम के नजदीक पिछले दो महीने से जर्ज हो चुके रोड को बनाने के लिए प्रशासन किया गया। साथ ही साथ ये भी बताया कि अगर सड़क सही नहीं हुई तो आगे इसमें भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। प्रीतम चौरसिया जो कि अमृत पालिका निवासी हूँ, आप देख सकते हैं ये NH-31 है और इस रोड पे यहाँ पे इतना गड्ढा हुआ है, लगभग 2 साल से ये गड्ढा हुआ है, बार बार मिट्टी भरा जा रहा है, ना इसको अच्छी तरीके से नहीं बनाया जा रहा है, इस पे कोई मिट्टी डालकर, वो भी मिट्टी कोई सरकार के द्वारा कोई मतलब योजना के तहत नहीं आ रहा है। हम ही लोग छात्र नेता आते हैं, कभी डालते हैं, अभी 2 बार हमने खुद डाला है यहाँ पे मिट्टी, और कोई नहीं यहाँ पे विधायक सुन रहा है, नहीं सांसद सुन रहा है, यहीं पे विधायक जी का घर पास में है और यहीं के, और कोई दूर के नहीं है विधायक, नहीं सांसद है अपने पास के। आपके विधायक जी का नाम क्या है? हमारे विधायक आनंद स्वरूप शुक्ला जी हैं। सांसद जी? सांसद जी अभी तो पूर्व सांसद जी थे भरत सिंह, अभी तो वीरेंद्र सिंह मस्तू हैं। अपना परिचय बताइए। जी मेरा नाम शिवम मिश्रा है और सतीश चंद्र महाविद्यालय का छात्र नेता। ये किस तरह का आंदोलन कर रहे हैं आप? आंदोलन नहीं है, ये केक काट कर केंद्र के नवीन सरकार को बधाई दिया गया है। केंद्र सरकार की उपलब्धि के अनुसार, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं कि यहाँ केक काट कर राष्ट्रीय राजमार्ग 31 है ये, और केंद्र सरकार की उपलब्धि है और उपलब्धि के अनुसार हम सभी ने केंद्र सरकार को नवीन शपथ ग्रहण के लिए ढेर सारी बधाई और शुभकामना केक काट कर दिए। रतन पांडे नाम है, सतीश चंद्र महाविद्यालय के छात्र नेता। ये रोड पे जो गड्ढा बना है उसके लिए आप लोगों ने केक काटा है, तो आप नई सरकार से क्या चाहते हैं? देखिए, नई सरकार से तो बहुत सारी उम्मीदें हैं, लेकिन एक उम्मीद ये भी है कि ये 1 साल से चला रहा है गड्ढा, पहले 1 बीघा का था, पूरे 1 कदम का हुआ, अब 10 कदम का बन गया है। और बताइए, NH-31 है, ये केंद्र सरकार के अधीन आता है, लेकिन ये जो है इतना खतरनाक हो गया है कि दिन रात गाड़ियां आती हैं, देख लीजिए आप किस तरह से जाम लगा है यहाँ। आए दिन इसमें जो दुर्घटनाएं होती हैं, इस पे उच्च अधिकारियों ने कोई एक्शन नहीं लिया? कोई एक्शन नहीं लिया, कितने ज्ञापन दिए गए, कितने जो है यहाँ आसपास के पुलिस चौकी में या फिर आसपास के जो वार्ड मेंबर के सभासद हैं या फिर नगर पालिका अध्यक्ष हैं, कितने लोगों को दिया गया यहाँ पे ज्ञापन कि आप यहाँ पे। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।